वीडियो में हम देखने वाले हैं हाफ एडर और फुल एडर के बारे में, जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है टू बिट एडर एंड थ्री बिट एडर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे हम फुल कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल नेम पर क्लिक करके और प्लेलिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली अगर देखते हैं वीडियो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हमारे एडर होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमें एडिशन परफॉर्म करते हैं हमारे बिट पर। क्योंकि आपको पता ही है कि कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट होता है जीरो और वन, जो कि होती है ऑन ऑफ कंडीशन, जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारी हाई और लो वोल्टेज या करंट को, जैसा कि मैं आपको बताते चले आई हूँ। तो जब भी हम परफॉर्म करेंगे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन तो वो वन और जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट होके ही कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म होता है। जो हमारे एडर होते हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंतर्गत आते हैं। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में अभी तक नहीं जाना है तो उस वीडियो को जल्दी से जाकर क्लिक करके देख लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात होती है तो हमारे माइंड में ही क्लियर होना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो सर्किट बनने वाला है उसमें कोई फीडबैक या कोई भी मेमोरी एलिमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा, उसमें शामिल नहीं होगा। बस हमें लॉजिक गेट का यूज करते हुए अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए लॉजिक गेट को क्या करना है, कनेक्ट करना है। चूंकि एडर और सबट्रैक्टर जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंतर्गत हैं, तो इसमें भी जब इनका डिजाइनिंग की जाएगा, इनका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा कॉन्सेप्ट का, तो हम लॉजिक गेट को कंबाइन करेंगे। अब आपको पता है जो 2 बिट एडर होता है हमारा, सबसे पहले 2 बिट एडर देखेंगे, उसके बाद हम 3 बिट एडर पर जंप करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 बिट एडर। तो 2 बिट एडर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये, मतलब ये लॉजिक गेट से बने हुए होंगे, इसमें आपको लॉजिक गेट्स यूज करना है, ठीक है। तो 2 बिट एडर का जो कॉन्सेप्ट है, बाइनरी एडिशन आपने परफॉर्म किया है, देखा होगा मेरा वीडियो भी, देखते हैं हम बाइनरी एडिशन में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। 2 बिट है मतलब 2 इनपुट रहेंगे, 00 01 10 11, ठीक है, ए और बी, और ये होगा हमारा आउटपुट जो कि होगा एडिशन का, ठीक है। तो 00 क्या होता है, 0, 01 क्या होता है, 1, 10 क्या होता है, 1, और 11 क्या होता है, 0, और यहां पे जो कैरी होता है वो क्या हो जाता है, 1, 1 प्लस 1 0, और कैरी बिट यहां पे आती है 1, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जब हमने 00 किया तो 0 हमारा एडिशन का आउटपुट आया और कैरी बिट क्या आई, 0, 01 किया तो हमारा आउटपुट एडिशन आया 1 और कैरी बिट यहाँ पे 0, यहाँ पर भी कैरी बिट 0, लेकिन जब 11 कर रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 0 और कैरी बिट आ रहा है 1। तो अब हमें इस लॉजिक को जो है, इस कॉन्सेप्ट को जो है, एडिशन कॉन्सेप्ट को, बाइनरी एडिशन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट में, तो हमें किस गेट की आवश्यकता होगी। आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो हमें पता है जो हमारे लॉजिक गेट है उसमें से जो XOR गेट है, याद कीजिए XOR गेट कैसा बनता था, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ये XOR गेट है ना, XOR गेट, ये इनपुट हो गए ए बी और ये उसका आउटपुट हो गया सी, ठीक है। तो XOR गेट का ट्रुथ टेबल अगर आप याद करें, ए बी और ये आउटपुट सी, ठीक है, 00 तो 0, 01 तो 1, 10 तो 1 और 11 तो 0, ये होता था XOR गेट का ट्रुथ टेबल। इसमें क्या होता था, जब भी किसी भी एक इनपुट में, किसी भी एक इनपुट में 1 होता था तभी हमें 1 मिलता था, बाकी केस में जो है 0 मिलता था, ये XOR गेट का हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम यहाँ पे एडिशन करें, या इसको हम मैं सम लिख लेती हूँ, मैं सम और इसको सम बिट लिख लेते हैं अच्छे से और क्लियर करने के लिए, और ये कैरी बिट, ठीक है। तो सम बिट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें यही चाहिए, 01 में 1 चाहिए, 10 में 1 चाहिए,
ठीक है, तो डेफिनेटली हम इसका यूज करेंगे अपने 2-bit एडर में, क्योंकि जो हमारा XOR गेट है वो हमें किसी एक इनपुट में 1 होने पर 1 दे रहा है, जो कि हमारे एडिशन का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब 0-0 पे हमें 0 चाहिए, तो यहाँ भी 0-0 पे 0 मिल रहा है। ठीक है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और 1-1 पे हमें क्या चाहिए, 0, तो 1-1 पे हमें क्या चाहिए, 0, तो ये भी मिल रहा है। ठीक है, तो हमें सम बिट के लिए कौन सा लॉजिक गेट यूज करना है, सम बिट के लिए हमें XOR लॉजिक गेट यूज करना है। ठीक है, बात करें अगर कैरी बिट की तो ये वाला आउटपुट थोड़ा ध्यान से देखिए, 0001 ये किस गेट के अंतर्गत आता है, कौन सा ऐसा गेट है जिस पे 1-1 होने पर ही 1 आता है, बाकी सब में 0 आता है, कुछ याद आया? एंड गेट। एंड गेट एक ऐसा गेट है जिस पे दोनों के आउटपुट यदि हम 1 रहते हैं तो ही 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। ये आप नोट कर लीजिए, इसको फिर मैं एंड गेट बता देती हूं। यहां पर एंड गेट कैसा होता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसका हमारा ट्रुथ टेबल क्या कहता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया इसका आउटपुट सी, ए बी और सी, 0-0 तो 0, ठीक है, 0-1 तो 0, 1-0 तो 0, लेकिन 1-1 तो 1। ठीक है, ए डॉट बी आता है यहाँ पे, ए डॉट बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ए और बी दोनों पे यदि 1 हो तो ही 1 होगा। तो डेफिनेटली हम कैरी बिट के लिए यूज करने वाले हैं कौन सा लॉजिक गेट, एंड गेट। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट हम 2-bit एडर या हाफ एडर के लिए बनाने वाले हैं उसमें हमें 2 गेट यूज करना पड़ेगा, एक सम बिट के लिए और एक कैरी बिट के लिए। सम बिट के लिए हम यूज करेंगे XOR गेट और कैरी बिट के लिए हम यूज करेंगे एंड गेट। ठीक है, कैसे डिजाइन करेंगे इसे, सिंपल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसको फिर मैं सम अप करूंगी नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए, फिर नोट्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। 2-bit एडर, अब इसका जो हम डिजाइन देख रहे हैं, पहले तो ब्लॉक डायग्राम बता देती हूं मैं। ये हाफ एडर है, ये हो जाएगा आपका ए बी दो इनपुट, ये हो जाएगा सम आउटपुट, और ये हो जाएगा कैरी। ठीक है, ये हो गया हमारा एडर, 2-bit एडर कॉम्बिनेशन सर्किट। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम, और इसी का अगर हम लॉजिक गेट से बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। हमें क्या चाहिए, XOR गेट चाहिए, चलिए XOR गेट बना लीजिए, इस तरीके से बनता है XOR गेट। यहां पे क्या आ रहा था, सम बिट थी, तो ये हो जाएगी सम बिट, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और इसी ए बी को हमें क्या करना है, एंड भी करना है कैरी बिट के लिए, तो ये हमने कर लिया एंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैरी बिट, राइट। तो यदि आप इसका आउटपुट एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आ रहा है, तो आप देख लीजिए, ये जो हमारा सम वाला कॉन्सेप्ट था, फिर से एक बार ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए बी सम और ये कैरी, 0-0 है तो सम 0 है, कैरी भी 0 है, 0-1 है तो सम 1 है, कैरी 0 है, 1-0 है तो सम 1 है, कैरी भी 0 है, और 1-1 है तो सम 0 है, कैरी 1 है। क्या मुझे यहाँ पे इसी तरीके से मिल रहा है, देख लीजिए, ए और बी, व्हेन ए एंड बी इक्वल टू 0, मतलब ए भी 0 है और बी भी 0 है, फर्स्ट कंडीशन। अब सारी कंडीशन आप चेक कर लीजिएगा, एक और दो में करके बता रही हूँ, 0 और 0 है। तो यहाँ पर XOR गेट का ऑपरेशन क्या कहता है कि जब 0-0 होगा, XOR गेट का ऑपरेशन ये कहता है कि जब 0-0 है तब आउटपुट क्या होना चाहिए, 0। तो ये पहला कंडीशन हमें ट्रू मिला। यहाँ पे देखिए कैरी बिट क्या है, 0-0, कैरी बिट में कैरी बिट क्या आ रही है, 0 क्या आ रही है, वो 0, यहाँ पे 0 गया
यहाँ आया ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, जीरो होता है। एक्सऑर को आप ऐसे लिख सकते हैं और एंड गेट के आउटपुट को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी समय जीरो होगा और ए डॉट बी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए जो हमारा एडिशन का फर्स्ट कंडीशन होता है कि जीरो जीरो है तो सम जीरो होगा और कैरी भी जीरो होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक पे जीरो है, पहले वाले पे जीरो है, दूसरे वाले पे वन है, इसमें जीरो और दूसरे वाले पे वन है, यहाँ आउटपुट लिख लीजिए जीरो। ठीक है, जब यदि ये जीरो वन है तो हमारा ए प्लस बी एक्सऑर गेट क्या होता है कि एक पे भी अगर वन है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, वन आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी सम बिट, और कैरी बिट इस समय क्या आ जाएगी, जीरो वन इक्वल टू ए डॉट बी जीरो डॉट वन क्या होता है, जीरो। तो कैरी बिट क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे की बिट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोट्स में और समअप कर देंगे। अब हम देख लेते हैं थ्री बिट एडर। ये डिजाइन आपको याद हो गई होगी, ये ब्लॉक डायग्राम आपको लिखना है, उसके बाद आपको इसका लॉजिकल डायग्राम लॉजिक गेट्स बनाते हुए लिखना है, इसका ट्रूथ टेबल आपको समझाना है और फिर कंडीशन समझाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थ्री बिट एडर। बात करें अगर थ्री बिट एडर की, तो थ्री बिट एडर में इनपुट जो रहेंगे हमारे थ्री रहेंगे, ए बी सी, और आउटपुट रहेगा सम बिट और कैरी बिट। ठीक है, दो ही आउटपुट हमारे पास रहेंगे क्योंकि हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन में या तो सम बिट मिलेगी सम बिट के साथ, या तो नहीं, सम बिट मिलती है और कैरी बिट मिलती है। ठीक है, तो तीन बिट के लिए हमें एडर परफॉर्म करना रहता है जब, तो हम दो हाफ एडर को मिला के थ्री बिट एडर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले थ्री बिट एडिशन का हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गई हमारी सम बिट, और ये हो गई हमारी कैरी बिट। ठीक है, तीन कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, या तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट ले लीजिए चार बार जीरो चार बार वन, या फिर आप वो वाला कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि जीरो और वन के कॉम्बिनेशन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर बनते हैं उनको आप लिखते जाइए, जैसे ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टेन हो गया, ये इलेवन हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये हंड्रेड हो जाए, तो जो भी आपको लेना है। तो ये चार बार जीरो चार बार वन, दो बार जीरो दो बार वन, दो बार जीरो दो बार वन, जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन। अगर आप मेरे वीडियो देखते हुए आए हैं तो ये कॉम्बिनेशन लिखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, जीरो जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो सम आया जीरो, कैरी भी आया जीरो। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, तो सम आया वन, कैरी आया जीरो। जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, सम आया वन, कैरी आया जीरो। जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन जीरो, कैरी वन। वन प्लस जीरो वन, प्लस वन वन, कैरी जीरो। वन प्लस जीरो वन, प्लस वन, सम वन, कैरी वन। वन प्लस वन जीरो, कैरी वन, और फिर इसमें जोड़ेंगे जीरो, तो क्या आने वाला आउटपुट, जीरो कैरी वन। इसी तरीके से वन प्लस वन जीरो, कैरी वन, फिर उसमें जोड़ेंगे वन, तो आने वाला है हमारा वन और वन, मतलब सम भी वन और कैरी भी वन। तो ये रहेगा हमारा ट्रूथ टेबल फॉर थ्री बिट एडर, लाइक। ठीक है, तो अब हमें इसे बनाना है अपने टू एडर जो हमने देखा था, हाफ एडर, उनको दो हाफ एडर लेकर हम एक अपना थ्री बिट एडर डिजाइन करेंगे। उसका ब्लॉक डायग्राम पहले देख लेते हैं किस तरीके से दर्शाया जाता है। ये हमारा हाफ एडर है, एक हाफ एडर, इसका दो इनपुट दिए जाते हैं इसमें, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे आती है सम और यहाँ पे आ जाता है कैरी, राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक हाफ एडर और यूज करना है, एक हाफ एडर और यूज करना है क्योंकि हमें तीसरे को भी सम करना है। इसमें हम इंप्लॉय करेंगे किसको, तीसरा जो इनपुट है उसे यहां पर यूं ले जाइए आप, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये देखिए, ये हो जाएगा क्योंकि हमें सम करना है, इन दोनों का रिजल्ट जो आ रहा है सम में, तो तीसरे को हम सम करेंगे, तो यहाँ तीसरे को ले गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सम बिट आएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से निकलेगा इसका भी कैरी, और यहाँ से जो कैरी निकला था ये कैरी था हमारा, ये जो कैरी निकले हैं दो,
इसको हम क्या कर देंगे, और कर देंगे, क्या कर देंगे, और कर देंगे। तो ये हमारी फाइनल कैरी बिट यहां पर मिलेगी, क्योंकि दो हाफ एडर का यूज करके हम डिजाइन करेंगे अपना थ्री बिट एडर। दो हाफ एडर में आपको सम करना है, पहले हाफ एडर में दो ही इनपुट होते हैं, तो ए भी आपने दो इनपुट ले लिए, तीसरे इनपुट के लिए सी, इसका जो रिजल्ट है इसको सम में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सम आ रहा है उसमें एक और हाफ एडर लगा के, ये तो हो गया हमारा ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया सम, और यहां पे क्या आ जाएगा सी, तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, जो कि होता है हमारे एक्सोर का रिजल्ट, क्योंकि किसी भी एज पे यदि वन है तो ही हमें क्या करना है, वन आएगा। देखिए सम बिट में एक पे वन है तो वन है, एक पे वन है तो वन है, एक पे वन है तो वन है, बाकी में नहीं है। तो किसी भी एक बिट पे यदि वन होता है, ए बी सी में से तीनों में से किसी भी एक बिट पे यदि वन होता है तो ही आउटपुट क्या आता है, वन आता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा आपका, तो आप इसे एक्सोर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इस पूरे के लिए आपको सम के लिए एक्सोर गेट चाहिए रहेगा, और यहाँ पे कैरी बिट को आप क्या करेंगे, और से रिप्रेजेंट करके ये आपका कैरी का रिजल्ट आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इसलिए अब हमें इसका लॉजिक डायग्राम डिजाइन करना है। इसके पहले हमने जो टू बिट एडर देखा उसमें हमको साफ साफ सम और कैरी वाले जो हमने ट्रुथ टेबल में देखा था उसके आउटपुट में हमें समझ में आ रहा था कि इसमें एक्सोर गेट और एंड गेट का यूज होने वाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा थ्री बिट एडर है तो हमारे पास ये जो सम और कैरी का ये जो कॉलम है उससे देख के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से गेट हम इसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करें, एक सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन बना लेते हैं केमैप की हेल्प से, और फिर हम उसमें जो भी हमारा बुलियन फंक्शन आएगा उसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे लॉजिकल डिजाइन में, ठीक है, मतलब लॉजिक डायग्राम हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है कि कैसे आपको लॉजिक सर्किट बनाना है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए तो आपको लॉजिक सर्किट आसानी से डिजाइन करते बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ये वाली स्टेप को, यहाँ पर हम लॉजिक सर्किट के लिए अपना के मैप यूज करने वाले हैं। अगर आपने के मैप वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको जाकर के मैप वाला वीडियो पहले देखना चाहिए, ठीक है, जल्दी से क्लिक कीजिए के मैप वाले वीडियो को और जल्दी से देखकर फिर वापस इस वीडियो पर आइए। तो सम और कैरी बिट के लिए हम अपना जो के मैप है वो डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, पहले मैं सम के लिए बनाने वाली हूँ, सम के लिए सिंप्लीफाइड फंक्शन निकालेंगे और फिर कैरी के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x डैश x, और ये हो जाएगा x डैश y डैश, सॉरी x तो ले लिया हमने, y डैश z, 00 से लिख लेते हैं, 00 01 10 11, तो ये हो गया हमारा y डैश z डैश, y डैश z, y z और y z डैश, ठीक है। जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, और वन के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डेसिमल इक्विवेलेंट इसका लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जिस पर्टिकुलर डेसिमल के इक्विवेलेंट वन है वहाँ हम वन फिल कर देंगे। सम के लिए देख रहे हैं, सम कॉलम में देखिए वन के लिए वन है और टू के लिए वन है, तो वन के लिए वन है, ये वन के लिए हमने वन फिट कर दिया और टू के लिए भी हमने वन फिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद किसके लिए वन है, यहाँ पर फोर के लिए और सेवन के लिए, तो यहाँ पर हमने फोर के लिए वन फिट कर दिया और सेवन के लिए वन, बाकी सब में क्या आ जाएगा 0 0, ठीक है। फिर इसका सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन क्या हो जाएगा, सम के लिए देखिए पेयरिंग हो रही है क्या, कहीं से फोल्ड करने पे भी पेयरिंग हमें यहाँ पे नहीं मिल रही, ऐसी पेयरिंग हमें नहीं करना है। तो इस केस में जब हमें पेयरिंग नहीं करना हो, नहीं मिलती है, तब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वन है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उनको हमको सबको लिखना पड़ता है, जैसे सपोज ये वन, ये वन, ये वन और ये वन, ठीक है। तो इसके वन के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है x डैश और y डैश z, इसको आप लिख लीजिए x डैश और y डैश z, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग क्या है x डैश
yz डैश, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है एक्स वाई डैश जेड डैश, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया बुलियन फंक्शन। तो अब इसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा जो लॉजिक गेट है वो हमें पता चल सके। ये जो फॉर्म होता है ये पूरा फॉर्म होता है XOR गेट का, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन आया कि अगर आप इसको ओपन करेंगे जो XOR फंक्शन है, क्योंकि XOR फंक्शन क्या बोलता है हमारा कि किसी भी एक का वन होने पर ही आउटपुट जो है वो वन आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला किसी भी एक में यदि वन है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा वन आएगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन सम के लिए। इसी तरीके से हम कैरी के लिए निकाल लेते हैं। कैरी के लिए भी सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन हम केमैप की मदद से निकालेंगे। तो केमैप कैरी के लिए निकाल लेते हैं, जल्दी से। ये हो गया एक्स डैश एक्स और ये हो गया वाई डैश जेड डैश, पूरा ऊपर से लिख लेते हैं वाई डैश जेड वाई जेड और वाई जेड डैश, ठीक है। अब ये हो गई अपनी जीरो वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वन कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो थ्री वाले डेसिमल पोजीशन पे और फिर फाइव सिक्स सेवन पे। तो जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे वन फाइव सिक्स सेवन, बाकी जगह जीरो, ठीक है। अब पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पेयर बन गया, राइट। तो फिर यहाँ पर हमें ये ए वन मिल गया और ये वन मिल गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इसको ओवरलैप क्यों नहीं किया गया, तो क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड तरीके से लॉजिक डिजाइन करना है अपना। अभी हम एडर पर काम कर रहे हैं, थ्री बिट एडर पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन और हो सकते हैं, अगर आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा इसमें हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं थ्री बिट एडर जो है वो टू बिट टू एडर ऐड कर जो बनता है उस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओवरलैप आप ना करें, तभी आपको वो बुलियन फंक्शन मिलेगा। थोड़ी सी हमें बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कैरी फंक्शन। तो यहाँ पर हमने सारे जो उसके कॉमन एलिमेंट हैं वो लिख लिए हैं। इस ग्रुप का यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ से एक्स मिल रहा है यहाँ से वाई मिल रहा है, तो एक्स वाई प्लस इसका पूरा पूरा लिख लेंगे एक्स मिल रहा है वाई डैश जेड मिल रहा है, तो एक्स वाई डैश जेड, इसका भी पूरा पूरा लिख लेंगे एक्स डैश मिल रहा है वाई जेड लिख रहा है मिल रहा है, तो एक्स डैश वाई जेड। यहाँ पर हमने जेड को कॉमन ले लिया है तो हमारा ये बना फंक्शन एक्स वाई प्लस z, और इसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई, ठीक है x ऑफ। तो ये हमारा फंक्शन है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लॉजिक डायग्राम में, और ये हमारा फंक्शन है सम के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने लॉजिक डायग्राम में, राइट। तो जल्दी से बना लेते हैं इसका लॉजिक डायग्राम फंक्शन का यूज करते हुए। ये हो गया हमारा एक फंक्शन और ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन कैरी के लिए। लिख लेती हूँ मैं इसको फिर से, सम के लिए आपको ये लिखना है और कैरी के लिए आपको ये मिला एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक्स प्लस वाई करेंगे, ये एक्स और का निशान है तो एक्स वाई आया यहाँ से, ये एक्स और गेट बना दिया हमने, ये हो गया ये हो गया एक्स प्लस वाई, ठीक है x x और प्लस y, ठीक है। तो ये हो गया x और ये y, राइट। अब हमें z को भी लेकर आना है तो यहां से z को लेकर आएंगे। z को लेकर आने के बाद यहां पे एक और हमारा एक और गेट बनेगा, ये हो गया x प्लस y प्लस z, ठीक है। ये x और का सिंबल होता है। तो ये हमारा सम बिट के लिए हो गया, तो ये हो गया सम फंक्शन, सम बिट का आउटपुट है ना। अब हमारा कैरी फंक्शन, कैरी फंक्शन क्या कहता है, एक्स वाई प्लस ये है एक्स ये है वाई, एक्स और वाई का क्या है एंड ऑपरेशन। तो यहां से एक्स को निकालो यहां से वाई को निकालो, एक एंड गेट बना दो, ये हो गया एंड गेट, ये हो गया एक्स वाई, यहां तक पहुंच गए। अब हमें क्या करना है प्लस,
ये वाला अभी प्लस को भूल जाइए, प्लस के लिए हम क्या करते हैं और गेट का यूज करते हैं, तो और गेट हम यूज कर लेंगे, इसको पहले बना लेते हैं। जेड के साथ एंड ऑपरेशन है किसका, एक्स और वाई के और था, यहां हमें एक्स प्लस वाई का और मिल रहा है, ये आउटपुट है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स ये वाला एक्स और वाई, तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है। और इसके साथ क्या करना है, जेड को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एंड ऑपरेशन करना है, तो ये हो गया जेड, तो ये वाला जो जेड है यहां से ले आइए आप जेड को, इसको क्या करना है एंड ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास x प्लस वाई, यानी x x और y, और ये क्या आ गया आपके पास z, ठीक है, तो ये हो गया एंड ऑपरेशन इसका। अब इन दोनों को x डॉट y और ये जो है इसका आउटपुट क्या होगा z डॉट x प्लस y, इनका क्या करना है आपको ऐड करना है, प्लस साइन है ना, तो यहां पे आप क्या करिए इसका ऐड वाला जो हमारा गेट होता है और गेट वो लगा लीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी कैरी बिट, ठीक है। लॉजिक डायग्राम डिजाइन करते अच्छे से आ गया आपको, आप अपना जो फंक्शन आपने निकाला उसको देखते जाइए, उसके हिसाब से आपने गेट फिट करते जाइए, और ये आपने इनपुट ले लिए, इनपुट को कहाँ से लाना है आप अपने फंक्शन में देखते जाइए कि कहाँ एंड लगाना है और कहाँ एक्स और गेट लगाना है और कहाँ पे और गेट लगाना है, तो ये हो गया हमारा लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो ये हुआ 3-बिट एडर, तो मुझे लगता है आपको 2-बिट एडर और 3-बिट एडर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर, और नोट्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जॉब के लिए भी एक अलग से चैनल बनाया हुआ है जॉब अलर्ट बिजनेस हसन, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और हमारे नए चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।